अगर आप लोग देखोगे ना जाने कितने लोग आपको सुबह शाम आपको बताते हुए नज़र आ जाएंगे कि भाई कुछ काम करो या मत करो, हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो, फैमिली सेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, भविष्य में कुछ भी होगा, ये होगा वो होगा, हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो, लाइफ इंश्योरेंस करवा लो, ये इंश्योरेंस करवा लो, वो इंश्योरेंस करवा लो, तरह तरह के कि आपको स्कीम्स बताती है सर, आपके घर तक पहुँच जाते हैं वो लोग स्कीम्स समझाने के लिए, बताने के लिए, आपको घर तक आ जाएंगे सर और पूरा टाइम निकाल कर आपको नाश्ता पानी के साथ आपको बताएंगे कि भाई इस स्कीम्स में ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है, ऐसा फ़ायदा है, वो फ़ायदा है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई वो लोग आखिर आपके लिए टेंशन क्यों ले रहे हैं। इंडिया के अंदर इतने सारे भूखे लोग मर रहे हैं जिनके पास बहुत तकलीफ़ है, उनको जाके दो ना भाई, हमारे पास क्यों आ रहे हो सर? वो आपके फ़ायदे के लिए आपके पास नहीं आते हैं सर कि आपका फैमिली अच्छे से रहे, इस वजह से आपका इंश्योरेंस नहीं करते हैं सर। वो इस वजह से इंश्योरेंस करते हैं आपका, कोई भी इंश्योरेंस हो, ताकि उनको मोटी कमाई हो सर, ताकि उनको मोटी अर्निंग देखने को मिले सर, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी इंश्योरेंस करवाने तो आपको बोलते हैं कि मैं आपको ये इंश्योरेंस कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तो अच्छा वाला इंश्योरेंस करूंगा आपका, वो धोखा दे दिया, ये हो गया, वो हो गया। सर आप समझ लीजिएगा कि वो अपने फ़ायदे के लिए आते हैं सर, वो तरह तरह की स्कीम्स बता देगी और इंश्योरेंस वाले कंपनी बहुत पैसा कमाती है। कभी सर वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस छोड़कर हेल्थ वाले स्टॉक्स के ऊपर ध्यान दो, उसके ऊपर ध्यान दो। जैसे कि अगर आप ध्यान देते हो सर, अपोलो हॉस्पिटल इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इसने अगर देखोगे आज तक तो सर 50,000% तक का रिटर्न निकाल कर दिखाया है। कितना? 50,000%। अगर आपने केवल 1,00,000 रुपये भी अगर आपने डाले होते कितने, तो सर केवल 1,00,000 रुपये भी अगर आपने डाला होता तो सर केवल आप ही नहीं, आपके पूरे फैमिली सिक्योर रहता और आपका फैमिली के साथ साथ जो फ्यूचर है ना सर, भविष्य में जितने लोग हैं वो भी सेफ एंड सिक्योर रहते। ऐसा अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो तो होता क्या है कि सर तरह तरह की आपको चीज़ें बताई जाएगी कि भाई आपका ये कवर्ड नहीं है, वो कवर्ड नहीं है, ये कवर्ड नहीं है, वो कवर्ड नहीं है, ये भाई कवर्ड क्या है वो बता दो। बोलना तो वो दिल से तो यही बोलना चाहते हैं भाई आपका कवर्ड तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या करूं? हाँ, आप कितना भी कुछ भी करा लो सर, वो आपको यही बोलता रहेंगे कि सर इसमें ये कवर नहीं है, उसमें वो कवर नहीं है। भाई क्या कवर करते हो फिर तुम इंश्योरेंस में? इंश्योरेंस लेने से पहले वो आपको बोलेंगे सर हम तो आपका पूरा खानदान क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, टेंशन नहीं है सर, समझ रहे हो ना, मैं आपका पूरा गांव का इंश्योरेंस कर दूंगा सर, मैं आपका पूरा देश का इंश्योरेंस कर दूंगा। लेकिन इंडिया के अंदर अगर आप देखते हो तो लगभग सर 60% पैसा जो है लोगों को इंश्योरेंस करवाने के बावजूद भी अपने खुद के पैकेट से भरना पड़ता है। ऐसा है तो वो तरह तरह की स्कीम्स सबके अलग अलग होते रहेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले काम। अब जैसे ये देखिए तो सर एक ज़माना था जहाँ पर लगभग ये स्टॉक्स में 82% का गिरावट हुआ था, यहाँ पर भी गिरावट हुआ था, चलता नहीं था, लेकिन अब देखिए जब चलना स्टार्ट किया लॉन्ग टर्म तो कितना बड़ा रिटर्न निकाल के दिखाया है। उसी तरीके से एक और कंपनी है मैक्स हेल्थ केयर, ठीक है, आपको हेल्थ ही चाहिए ना भाई, ज़रूरी नहीं है कि इंश्योरेंस करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। इंश्योरेंस में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंश्योरेंस मत करवाइए, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं सर, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस आपको बता रहा हूँ सर मैं क्या करता हूँ, इंश्योरेंस नहीं करवाते कि मैं ऐसी चीज़ों में पैसा लगाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये आज के रेट में भी लगभग जो है 4.4% भागता हुआ नज़र आया सर, पिछले एक महीने में 13% तक का रिटर्न है और पिछले लगभग एक महीने में, एक साल में तो सर पैसा डबल कर दिया, देखिए एक साल में पैसा डबल 91%, और 5 सालों में तो सर इसने लगभग जो है 674% तक का, मतलब 700% तक का रिटर्न निकाल के दिया सर, आपका 1,00,000 का 7,00,000 रुपये बना दिया सर, 7,00,000 रुपये बना दिया। ये 7,00,000 रुपये को अगर आप निकाल के अगर आप FD भी कर देते हो तो सर आप मजे में रहोगे, नहीं तो अगर आप इस 7,00,000 रुपये को 7,00,000 रुपीज़ को अगर आप छोड़ भी देते हो तो सर ज़िंदगी आपकी ऐसे ही टनाटन रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्यों? अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो सर 2 साल पहले भी अगर आप देखोगे तो मैंने आपको इसके बारे में आपको बताया था, आप डेट देख लीजिए, क्योंकि सर एक बार कंपनी ने बोनस या स्टॉक स्प्लिट भी शायद दे रखा है 2022 अप्रैल में, एकदम 1 तारीख को मैंने ये वीडियो बनाकर बताया था सर, ठीक है। मैंने लिखा भी था सर हेल्थ एंड वेल्थ शेयर, ठीक है, ओनली प्रॉफिट, लॉस नाम की जो चीज़ होती है वो ऐसी चीज़ों में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि गारंटी के साथ आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता सर, ठीक है। तो नॉर्मल से थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, साउंड बढ़ा देता हूँ, देखिए प्लीज़ ध्यान दीजिएगा ये स्टॉक्स पे, प्लीज़ देख लीजिए, मैं कितना बेशरम हूँ, मुझे देखो मैं कितना बेशरम हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। क्यों भाई, रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपना अपना ध्यान खुद ही रख लेंगे लोग यहाँ पर, है कि नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करने में लोगों को तो टाइम लगता है, लाइक करने में तो लोगों को टाइम लगता है, कमेंट करने में लोगों को टाइम लगता है, तो मैं रिक्वेस्ट क्यों करूं भाई, है कि नहीं, प्रॉफिट हो या ना वो आप लोग समझो, ठीक है। रिक्वेस्ट जो मैंने किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, आपसे नहीं करूँगा, ठीक है। तब कितना था सर, अगर आप देखो तो 347 रुपीज़, लोग बोलेंगे सर कहाँ कुछ खास रिटर्न निकाल के दिया है, 347 तो था ही, लेकिन सर जिस दिन मैंने वीडियो बनाया, देख लीजिए जिस दिन मैंने वीडियो बनाया सर, उस दिन ये स्टॉक जो है 4% गिरा हुआ था,
भागते हुए बाजार में वीडियो नहीं बनाया सर, क्योंकि मैं आपको स्टॉक के बारे में नहीं बता रहा था, स्टॉक खरीदने के बारे में नहीं बता रहा था सर, मैं आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में बता रहा था। इस वजह से मैंने आपको गिरते बाजार में भी बताया सर, और एक बार नहीं इसके ऊपर लगभग मैंने 30 वीडियो बनाकर आपको बताया है सर इस चैनल में, अगर आप देखोगे। और एक बार और आप डेट देख लीजिए, किस डेट में मैंने वीडियो बनाया था, यहाँ देख सकते हो 31 मार्च था सर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है हॉलीडेज़ होते हो जाते हैं ना सर, इस वजह से ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद जब मैं वीडियो बनाया था तो अप्रैल आपको देखने को मिला, यहाँ देख सकते हो 22 अप्रैल है, देख लीजिए सर 2022 एक अप्रैल एग्जैक्ट डेट 350 के बाजू में देखने को मिला स्टॉक। और आज वहाँ से भी अगर आप देखते हो तो किस तरीके से रिटर्न निकाल के दिया है, तो सर बवाल रिटर्न निकाल के दिया है, 150-200% तक का रिटर्न निकाल के दिया है। और लोग बोलेंगे भाई इतना बड़ा रिटर्न निकाल के दे दिया तो फिर वीडियो क्यों बनाना, क्यों बताना। और ऐसा नहीं है एक बार वीडियो बनाया था फिर देख लिया, मैंने बोला ना 30 बार मैंने वीडियो बना रखा है सर, कितने बार 30 टाइम्स मैंने वीडियो बना रखा है। फिर देख लीजिए दूसरी बार जब मैंने वीडियो बनाया तो 497 में था सर, यहाँ पर 497 में। फिर देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को डेट चेंज है, यहाँ पर देख सकते हो 21 अप्रैल को 2023, वो 2022 था, ये 2023 को भी मैंने वीडियो बनाया था। और जब फिर मैंने वहाँ पर जब मैंने वीडियो बनाया था तब इसका प्राइस देख लीजिए लगभग कितना था, 452 था सर। इनको मिलेंगे, इनके बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो इंडिया, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको पूरा बिजनेस मॉडल बताया, समझाया। सबसे बड़ा सवाल, मेन मुद्दे पे आते हैं सर, इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन क्या था। लोग बोलेंगे भाई तुम क्या कर रहे हो, ठीक है तुमने बताया था अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, बात समझ में आती है, बिजनेस के बारे में तुमने बताया ठीक ठाक है, तुम बताना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो भाई, आखिर बोलना क्या चाहते हो ये वीडियो बनाकर। तो सर ये वीडियो बनाकर मैं जो बोलना चाहता हूँ वो केवल इतना ही है, जेफरीज ने बोला कि भाई मैक्स हेल्थ केयर जो है आपको 50% तक का रिटर्न निकाल के दे सकता है सर, कितना 50% तक का आपको रिटर्न निकाल के दे सकता है सर। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है नीचे कंपनियों का नाम, हाँ वो जो लगभग वो अभी लिस्ट हुआ है वहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर आज के डेट में भी हॉट स्टॉक्स में अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है मैक्स हेल्थ केयर का पहले नाम देखने को मिलता है सर, मैक्स हेल्थ केयर का पहले नाम देखने को मिलता है। मतलब कहने का मतलब है कि आज के डेट में भी सर फंडामेंटली इतना मजबूत है हेल्थ सेक्टर की बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर आने वाले अगर आप 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल भी अगर आप देखोगे तो सर ये सारी चीज़ें चलते हुए नज़र आती हैं आपको। अभी अभी मैंने आपको दिखाया ना कि 50% तक का रिटर्न निकाल के देने वाला एक और कंपनी है जो अभी लिस्ट हुई है, आजू बाजू में डिस्काउंट में देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा है तो मैक्स हेल्थ केयर अभी भी अगर देखते हैं तो हॉट स्टॉक्स में नाम जाने जाते हैं। तो अगर आप कोई भी इंश्योरेंस करवाते हो ठीक है, लेकिन सर लाइफ इंश्योरेंस बहुत सारे लोग करवाते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर कभी आप लोगों ने सोचा कि LIC कितना बड़ा पैसा छापता है? याद रखिएगा LIC इस वजह से आपका LIC नहीं करता क्योंकि आप लोग सेफ रहो, LIC इस वजह से LIC करता है ताकि वो अपना बिजनेस कर पाए सर, याद रखिएगा वो अपना बिजनेस कर पाए, ऐसा ही होता है सर, ठीक है। तो इस कंपनी की बात की जा रही है सर, एंटरो हेल्थ केयर सॉल्यूशन, तो जो भी हेल्थ से रिलेटेड वाले कंपनी है सर, ये कंपनी जो है 50% डिस्काउंट में लिस्ट हुई है, बताया जा रहा है कि ये डिस्काउंट में लिस्ट हुई है तो ये 50% तक का आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है सर, क्योंकि ये डिस्काउंट में लिस्ट हुआ है। इससे साफ साफ पता चलता है कि लगभग सर हेल्थ केयर सेक्टर में कितना डिमांड है, केवल इंश्योरेंस ही नहीं करवाना है सर, इंश्योरेंस कमाने करने के साथ साथ आपको पता करना है कि भाई कंपनियाँ किस तरीके से प्रॉफिट करती है आप लोगों से, ऐसा होता है। अपोलो हॉस्पिटल भी आप लोगों को मैंने दिखाया कि भाई एक ज़माने में वो 70% गिर गया था, लेकिन उसके बाद आज के डेट में अगर आप देखिएगा तो कितना हाई जा चुका है, 50,000 का रिटर्न दे चुका है सर, 50,000% का। मैक्स हेल्थ केयर भी अगर हाल फिलहाल में भी कंपनी आई है तो वो भी 700% का रिटर्न निकाल के दे चुका है। तो लॉन्ग टर्म जो इंश्योरेंस आप लोग कराते हो सर, क्या वो एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, एक साल के लिए, दो साल के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए करवाते हो सर, लंबे समय के लिए, ठीक है, जीवन भर के लिए अपने अपने हिसाब से लोग करवाते हैं। उसी तरीके से जो स्टॉक मार्केट में कंपनियाँ रहती है सर, वो टेम्प्ररी आपको नुकसान दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर एक अच्छी कंपनी ढूंढ लेते हो तो वो आपका लाइफ भी चेंज कर सकता है, आपका फैमिली का लाइफ भी चेंज कर सकता है सर।